गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आनंद मलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं, है ना। जैसा कि हम लोग इस लॉकडाउन के भी समय में आप लोगों को शिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों का ध्यान करा रहे हैं, मेरी ये आशा है कि आप सभी लोग इस योजना का लाभ उठा रहे होंगे। जैसे कि हमारे महाविद्यालय की योजना रही है कि बच्चों का जो छात्रों का शिक्षा को लेके किसी तरह का भी नुकसान ना हो, और शायद यह रीवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो सबसे पहले हमारे पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज ने यह योजना का निर्माण किया और आप लोगों के छात्र हित और राष्ट्रहित के लिए काम कर रही है। तो आप लोग भी इसका लाभ उठाएं, मेरी यही कामना है। आइए बात करते हैं, विषय वस्तु में आ जाते हैं, है ना। मैं बात करता हूं आज एमए द्वितीय सेमेस्टर, है ना, द्वितीय सेमेस्टर इतिहास की। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया मैंने, ये 20वीं सदी का इतिहास है और 20वीं सदी के इतिहास का जो प्रश्न पत्र है उसका एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है गुट निरपेक्ष आंदोलन। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, आप लोग देख रहे होंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। सबसे पहली जो बात उठती है, सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिर गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है, है ना। मैं आप लोगों को गुट निरपेक्षता के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देना है। जैसे कि आपको पता कि गुट निरपेक्षता जो है, एक गुट निरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, एक गुट और दूसरा है निरपेक्ष, है ना। गुट का मतलब क्या होता है, गुट का मतलब होता है समूह, है ना, जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, है ना, तो वो गुट बन जाता है। और निरपेक्ष का मतलब होता है एकांत या अकेला, है ना। चलिए इसी से हम गुट निरपेक्षता के अर्थ को समझाएंगे, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ क्या है, गुट, अब आप ध्यान से सुनिएगा, गुट निरपेक्षता का मतलब होता है कि बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाना, है ना। गुट निरपेक्षता का मतलब क्या हुआ, बिना किसी गुट में शामिल हुए अपनी व्यक्तिगत, है ना, स्वतंत्रता की रक्षा करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है। आइए थोड़ा इसको विस्तृत से समझते हैं। आप लोग टीवी न्यूज वगैरह देखते होंगे, है ना, यहाँ अपन जो पढ़ रहे हैं ये अंतर्राष्ट्रीय और विश्व की राजनीति के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, जहाँ बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, बड़े बड़े देश सम्मिलित होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप की बात नहीं करते, इसमें एशिया है, यूरोप है, है ना, कई महाद्वीपों के बारे में अपन इसमें, कई महाद्वीपों के देशों के बारे में अपन इसमें बात करते हैं। तो गुट निरपेक्षता का सीधे सीधे अर्थ हुआ कि क्या अर्थ हुआ, कि बिना किसी गुट में शामिल हुए अपने स्वतंत्रता की रक्षा करना ही गुट निरपेक्षता कहलाता है, ठीक है। मतलब हम किसी गुट में शामिल ना होकर स्वयं अपनी नीति व योजनाओं को कार्यान्वित करेंगे, है ना। अब आते हैं बात कि आखिर विश्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन के उदय के पीछे क्या रीजन क्या है, आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति क्यों हुई भैया, क्या आवश्यकता पड़ गई गुट निरपेक्ष आंदोलन की। जैसा कि मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, इसके पीछे मैंने आप लोगों को बताया था एक शीत युद्ध के बारे में, है ना, शीत युद्ध के बारे में बताया था कि उस टाइम पीरियड में भारत, सॉरी, विश्व दो गुटों में बट गया था। एक तरफ था संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और दूसरी तरफ था रूस। यहां ध्यान दीजिएगा, इसके उदय के पीछे बात करते हैं कि आखिर गुट निरपेक्षता का उदय क्यों हुआ और इसमें किसकी भूमिका रही, है ना। जैसे कि मैं बताता हूं कि शीत युद्ध के बाद क्या हुआ कि जो विश्व था पूरा दो गुटों में बट गया,
ठीक है, तो दो गुटों में बट गया, अर्थात कुछ देश किसके साथ चले गए, अमेरिका के साथ चले गए और कुछ देश रूस के साथ चले गए। लेकिन कुछ देश ऐसे भी थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे और उपनिवेश से मुक्त हुए थे, उनके सामने बहुत बड़ा प्रश्न सम्मिलित हो गया। इसमें सबसे पहले नाम आता है भारत का, यहां ध्यान दीजिएगा। इसका नाम आता है गुटनिरपेक्ष का, जो यहां तक की कहा जाए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति हुई वो कहां से हुई, भारत से। देश जो पूरा विश्व था दो टुकड़ों में बट गया था, एक तरफ था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ था रूस। अब भारत के सामने यह प्रश्न उठा, चूंकि भारत उसी समय 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, है ना, अभी अभी स्वतंत्र हुआ था, तो भारत को एक डर था कि यदि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सम्मिलित हो जाता हूँ तो मेरी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, और यदि रूस के साथ सम्मिलित हो जाता हूँ तो मेरी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, देखिए किसी भी देश को विकसित होने के लिए या किसी भी देश के विकासशील के लिए उसे अन्य देशों के साथ क्या रखना पड़ता है, मित्रता रखनी पड़ती है, तभी उस देश का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। अब भारत 1947 में भारत क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर अब हम क्या करें, यदि हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ जाते हैं तो रूस नाराज हो जाएगा, यदि रूस के साथ जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका नाराज हो जाएगा, और चूंकि भारत विकसित देश नहीं था, भारत तो एक विकासशील देश था, अतः भारत को तो दोनों के साथ मैत्री बनाना था, है ना, बड़ा ही रोचक है। तो भारत ने क्या किया, भारत ने एक तीसरा विकल्प चुन लिया कि ना मैं तो राष्ट्र इसके साथ जाऊंगा और ना ही इसके साथ जाऊंगा, ना मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा ना ही रूस के साथ जाऊंगा, इसके लिए मैं एक अलग रास्ता अपनाया। उसी रास्ते को क्या कहा गया, इसी रास्ते को क्या कहा गया, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। यहीं से शुरुआत हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, अर्थात गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई वह हुई अप्रैल 1961 में, 1961 में, ध्यान दीजिएगा 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और 1961 में भारत ने किसकी शुरुआत की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। अर्थात भारत ने यह निर्णय लिया कि ना मैं तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ जाऊंगा और ना ही रूस के साथ जाऊंगा, बल्कि हम अपनी एक अलग नीति बनाएंगे, वह नीति शांति न्याय के आधार पर बनाई जाएगी, है ना। तो यहीं से शुरुआत हुई, भारत ने ही शुरुआत की थी किसकी, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, और आज तक अभी तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन चल रहा है ना। इसमें जो भारत के जो साथ कौन दिया, भारत के साथ अन्य दो राज्य जो दो देश और आ गए, पहला था युगोस्लेविया और दूसरा मिस्र, ये दो देश भारत के साथ आ गए, किसमें, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, समझ रहे हैं यहां पर, गुटनिरपेक्ष का मतलब सीधा सीधा है, सीधा सीधा एक किसका एजेंडा है, सीधा सीधा इसके फंडा है कि ना मैं अमेरिका के साथ जाऊंगा ना ही रूस के साथ जाऊंगा, अर्थात ना तो मेरा अमेरिका दुश्मन है और ना ही रूस दुश्मन है, बल्कि ये दोनों मेरे दोस्त हैं, इसके लिए मैं अपनी एक अलग नीति बनाऊंगा, वह नीति न्याय पर आधारित होगी, और हमारे साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ऐसे देश सम्मिलित हुए होंगे जो कि अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं या जो किसी के उपनिवेश रहे होंगे, समझ में आई बात, आप समझे विषय को, गुटनिरपेक्षता का उदय कैसे हुआ, उदय का सीधा सीधा आप यही लिखेंगे कि देश जो पूरा विश्व था दो टुकड़ों में बढ़ चुका था, उस समय भारत के सामने एक प्रश्न उठा कि हम आखिर किसके साथ जाएं, यदि वह अमेरिका के साथ जाता है ना, अमेरिका के साथ जाता है तो रूस दुश्मन हो जाएगा और रूस के साथ जाता है, इसलिए उसने एक अलग नीति बनाई जिसे कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई, है ना, किसकी शुरुआत हुई, उसी से शुरुआत हो गई गुटनिरपेक्ष
आंदोलन की। देखिए यार, आप लोगों को एक चीज में बता देना चाहता हूँ कि जो ये 20वीं सदी का इतिहास है, सिर्फ इसमें भारत ही शामिल नहीं है, है ना, इसमें बल्कि पूरे विश्व की जो इतिहास है उसको हम पढ़ेंगे। पूरे विश्व के देश के बारे में जब हमको जानकारी होगी तभी हमको ये जो टॉपिक है समझ में आएगा। और इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यदि आप पिछले जो विषयगत जो मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार बताया, फिर सेकंड वर्ल्ड वार बताया, फिर मैंने सीट युद्ध के बारे में बताया, यदि आप इनको पुनः रिविजन नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी जो कड़ी है जुड़ी हुई है ना। अंतिम जो हमारा बिंदु है, लास्ट जो बिंदु है, सिद्धांत, कि आखिर गुट निरपेक्ष आंदोलन किस सिद्धांत पर काम करता था। तो सीधे इसका एक फंडा है, एक लाइन में इसका फंडा है कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है, इस सिद्धांत न्याय, शांति और स्वतंत्रता की नीति पर, नीति के सिद्धांत पर काम करता है। अर्थात हम किसी के गुलाम नहीं होंगे, बल्कि हमारी अपनी खुद की व्यक्तिगत एक नीति होगी। और हम यहाँ तक कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम विश्व की राजनीति में कोई अहम रोल नहीं निभाएंगे, हम विश्व की राजनीति में रोल निभाएंगे, लेकिन अलग अलग, किसी गुट में शामिल होकर नहीं, बल्कि स्वतंत्र नीति के माध्यम से विश्व की राजनीति में अपना योगदान देंगे। तो इसका ये सिद्धांत रहा गुट निरपेक्ष आंदोलन का, है ना। तो छात्रों, आज हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में पढ़ा, अर्थ के बारे में पढ़ा, उसके उदय के बारे में पढ़ा और सिद्धांत के बारे में पढ़ा, है ना। आपके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरे विषय समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारे वीडियोज़ हैं, हमारे पेंटियम पॉइंट कनेक्ट कॉलेज की जो वीडियोज़ हैं, इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और इस योजना का लाभ उठाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।